अफगानिस्तान में दो दिनों में 12 सुरक्षा कर्मी शहीद। नरेंद्र नगर लक्ष्मी नगर में गडकरी की रैली में जुटे हजारों लोग। न 15 लाख न 72 हजार, मया ने पेश किया गरीबों हटाने का फॉर्मूला। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के पश्चिम बदगिस प्रांत में पिछले दो दिनों में तालिबान लड़ाकों के हमले में 12 सुरक्षा कर्मियों की शहीद हो जाने की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते बालामुर्गांव में तालिबान लड़ाकों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया और कई चौकियां जब्त कर ली। बयान में कहा गया है कि इस अभियान में अन्य 10 सैनिक एवं 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अभियान के दौरान 99 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। नरेंद्र नगर लक्ष्मी नगर में गडकरी की रैली में जुटे हजारों लोग। नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से लक्ष्मी नगर से बाइक रैली का आयोजित किया गया था। इस रैली में बड़ी तादाद में युवा शामिल थे। यह रैली नरेंद्र नगर चौक, पश्चिम बिल्डिंग हॉस्पिटल के पास, मनीष नगर, बेलतरोड़ी रोड, शताब्दी चौक, रामेश्वरी रोड परिसर में घूमे। इस समय सड़क पर खड़े लोगों ने समेत नागरिकों ने भी उनकी रैली का अच्छा प्रतिसाद दिया। न 15 लाख न 72 हजार, माया ने पेश किया गरीबी हटाने का अपना फॉर्मूला। पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना न्याय पर करार हमला किया है करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मोदी के 15 से 20 लाख देने वाले वादे की तरह ही अति गरीबों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 72 हजार देने का वादा भी एक फॉर्मूला। विरोधी पार्टी के हवा हवाई चुनावी वादों के बहकावे में नहीं आता है। हालांकि मायावती ने गरीबी हटाने का अपना फॉर्मूला बताया। मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में देश की जनता को अच्छे दिन दिखाने के जो प्रबोलन भरे वादे किए थे, कांग्रेस सरकार की तरह से खोखले साबित करेंगे। मोदी को गरीबी गरीबों को 15 से 20 लाख और सबका विकास भी जुमला बनाया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तो